दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पाइस मनी से आप IRCTC ID कैसे ले, IRCTC ID एक्टिव कैसे कराए, वो भी कम से कम दामों में, यानी कि 1500 रुपये में। आप जानते हैं बहुत सारी कंपनी 3000 रुपये इसके लिए चार्ज कर रही है और स्पाइस मनी भी 3000 चार्ज कर रही थी, लेकिन अभी स्पाइस मनी 1500 में दे रही है IRCTC की ID। कोई कंपनी 5000 में भी देती है, लेकिन अभी आपको इस ऑफर के साथ स्पाइस मनी में से 1500 में IRCTC ID मिल जाएगा, ठीक है। 1500 में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके साथ साथ आपको आईडी कार्ड भी मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको एक डोंगल भी मिलेगा। तो चलिए चलते सबसे पहले हम स्पाइस मनी के पोर्टल पे। तो यहाँ पे हम स्पाइस मनी के पोर्टल पे आ जाते हैं। स्पाइस मनी के और साथ साथ यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिलता है कि रिजर्वेशन प्लस कैंसिल टिकट का, यहाँ पे फॉर्म भी आपको मिल जाता है। तो चलिए हम फिर से चलते हैं डैशबोर्ड पे और आपको दिखाते हैं IRCTC रेलवे टिकट कैसे बुक कर सकते। यहाँ पे रेलवे का भी आईडी शो करेगा, यहाँ पे आपका IRCTC का रेलवे का जो आईडी है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लगा के उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाए कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे बुक टिकट PNR स्टेटस ट्रेन नंबर नेम वगैरह कैंसिल टिकट ट्रेन टिकट बुक टिकट स्टेटस रिफंड बुकिंग रिफंड ये है। और यहाँ पे दिया गया है किसी तरह के हेल्प के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 7 बजे सुबह से 11 बजे रात तक आप कर सकते हैं इस पे संपर्क। तो यहाँ पे दिया एक निर्देश दिया गया है कि अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको OTP द्वारा उसे रिफंड ले सकते हैं, जो कि आप 3 दिन के अंदर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो OTP देना होगा आपको, टिकट बुकिंग के समय जो नंबर दिए थे उस पर एक OTP जाएगा, अगर कैंसिल करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, OTP देंगे तभी आपका टिकट कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो ये 3 दिन के अंदर आपको करना होगा कैंसिल, ठीक है। तो चलिए ये तो कैंसिल की बात होगी, यहाँ पे नोटिस था मैंने बता दिया। तो किसी भी टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे आपको फ्रॉम स्टेशन उसके बाद मतलब कहाँ से कहाँ जाना है आपको वो दे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कहाँ जाना है, ठीक है, वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे किस डेट को जाना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कैलेंडर भी मिल जाएगा, जिस डेट को आप जाना चाहते हैं वो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे है जनरल में या लेडीज़ कोटा में या तत्काल कोटा में आप टिकट बुक करना चाहते हैं, ठीक है। जनरल में AC वगैरह स्लीपर और तत्काल आप जानते हैं, तत्काल एक दिन पहले बनता और लेडीज़ कोटा, तो मैं अभी जनरल के लिए करूँगा। तो जनरल सेलेक्ट है मेरा, तत्काल करेंगे तत्काल पर सेलेक्ट करेंगे, जनरल तो जनरल। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे इस डेट को इस स्टेशन से इस स्टेशन जितनी भी ट्रेन चलती है वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा, आपको समझने में भी अच्छा होगा, इस तारीख को इस स्टेशन से इस स्टेशन कितनी ट्रेन चलती है वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रेन का नंबर है, ट्रेन का नाम, कहाँ से खुलेगा, कहाँ जाएगा, कब, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे पहुँचेगा, ठीक है। और ये सब यहाँ पे ट्रेवल टाइम आपको दिया गया है, कितने किलोमीटर है वो दिया, और ये ट्रेन किस किस दिन चलती है यहाँ पे देखिए, जिस दिन यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब वेडनेसडे सब यहाँ पे दिया गया, ठीक है। जो पूरी तरह काला है उस दिन ट्रेन चलती, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे काला नहीं है, ये S जो है संडे, ये ब्लैक नहीं है, इसका मतलब इस दिन ये गाड़ी नहीं चलती। तो यहाँ पे सभी दिन काला कलर से लिखा हुआ, इसका मतलब ये गाड़ी सभी दिन चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास है, किस क्लास में टिकट बुक करना चाहते, 2 AC 3rd AC 2nd स्लीपर, ठीक है। स्लीपर पर करना चाहते हैं तो स्लीपर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप स्लीपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इस तारीख को कितना सीट अवेलेबल है, उसके बाद कितना सीट अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पर कुछ दिए रहते हैं 5-6 रोज का, कब कितना सीट अवेलेबल है इस ट्रेन में। जैसे यहाँ पे दिखाया 30 मई को 6 सीट अवेलेबल है, 31 मई को 13 सीट, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इसी तरह मान लीजिए कोई भी मैं बुक नहीं करूँगा, मैं इसे बता रहा हूँ, मान लीजिए 1 जून को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ पे किराया कितना लग रहा है, यहाँ पे टोटल 480 रुपये किराया लग रहा है एक व्यक्ति का। और यहाँ पे देखिए किस कोटा से हो रहा है, जनरल से हो रहा है, ठीक है, लेडीज से नहीं, जनरल कोटा से।
अब देखिए इस ट्रेन का इस डेट को मैं बुक करूंगा, तो यहाँ पे बुक बटन है, बुक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा चीज़, यहाँ पे ट्रेन नाम कब कहाँ से कब कितना बजे खुलेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिले, यहाँ क्लास और यहाँ पे कोटा ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक टिकट में आप एक साथ 6 लोग का टिकट बना सकते हैं, तो यहाँ पे नाम देंगे जिसका टिकट बनाना चाहते हैं, मैं फिलअप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद उनकी एज क्या है वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात, यानी कौन बात लेना चाहता है, ऊपर नीचे अगर कोई भी मिल जाए, जो मिल जाए वही पे चलेगा, तो यहाँ पे नो चॉइस को क्लिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन सबको आपको खाली छोड़ दें, उसी तरह दूसरे पैसेंजर का आपको देना होगा, ठीक है। इसी तरह आपको जितने पैसेंजर जा रहे हैं एक टिकट से उनका लीज देना, अगर एक आदमी जा रहा है तो एक ही का लीज देना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई 5 साल से छोटा बच्चा जा रहा है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा उन बच्चे का, ठीक है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर 5 साल से छोटा कोई जा रहा है, 2 बच्चे, तो उसका डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है, कस्टमर की ईमेल आईडी और एड्रेस देना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे इतना रुपये कटेगा, 0.49 पर पर्सन, ठीक है। मतलब यानी कि 50 पैसे से भी कम कट रहा है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस को यस कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुक पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर मैंने फिलअप नहीं किया होता, फिलअप करके दिखाता हूँ आपको कैसे टिकट बुक किया जाता है। तो पूरा चीज़ मैंने फिलअप कर चुका हूँ, यहाँ बुक पे क्लिक करेंगे, बुक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कंफर्म करने के बोलेगा, नाम वगैरह पूरा चीज़। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्ज आपको मैंने 2 आदमी का यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो मैं आपको 1 आदमी का यहाँ पे, 2 आदमी का टोटल कितना लग रहा है यहाँ पे, 1006 रुपये, ठीक है। मैं 1 आदमी का करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे दूसरा नाम जो है, दूसरे नाम को हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कितना यहाँ पे चार्ज लिया जाता है, कितना पीजी चार्ज और टोटल अमाउंट कितना वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको कितना मिलेगा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिकट अगर बुक करना चाहते हैं तो आप जब IRCTC ID लिए होंगे इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, तो आपके घर पे एक डाक के द्वारा एक पेन ड्राइव आपको मिलेगा, जिसमें आपका पासवर्ड भी रहेगा लिखा और पेन ड्राइव, वो उसको सिस्टम से कनेक्ट करना होगा आपको। जब आपने IRCTC ID एक्टिव करवाया था तो आपको डाक के द्वारा मिला होगा एक पेन ड्राइव, ठीक है। उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, उसको पहले इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, कस्टमर केयर आपके सिस्टम को एनीडेक्स पे लेकर आपको आपके सिस्टम में उसको इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल कर देने के बाद जब आप उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाएगा, यानी कि ये रुपया जो आपके स्पाइस मनी के वॉलेट से कटेगा, तो यहाँ पे पे क्लिक कर देंगे तो आपके वॉलेट में जो रुपया रहेगा वो कट जाएगा, वो रुपया कट जाएगा। यहाँ पे मेरा नहीं कटा क्योंकि हमारे वॉलेट में भी रुपया नहीं था और मैं टिकट बुक करने वाला भी नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा था। उसके बाद आपको जो पासवर्ड पेन ड्राइव पे लिखा होगा उस पासवर्ड को देना होगा, जब वो पासवर्ड को आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। वो टिकट आपको यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस पे भी आपको टिकट भेज देता, और साथ साथ कस्टमर को SMS भी मिल जाता है कि आपका टिकट बुकिंग हो चुका है और PNR नंबर ये है, आपका टिकट का स्टेटस अभी यह है, ये पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। यही था एक प्रक्रिया टिकट बुकिंग का, ठीक। और अगर आप अपने स्पाइसमैन की आईडी में IRCTC को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो आपको संपर्क करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उन पर कॉन्टैक्ट आप हमसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको अगर एक रिटेलर आईडी, मतलब एक बंदा अगर IRCTC एक्टिवेट करवाता अपने आईडी में, तो उनको 2000 चार्ज लगेगा। और मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में बताया था कि 1500 रुपये। अगर आप एक साथ 15 फ्रेंड मिलके, यानी कि सॉरी, अगर एक साथ आप 5 फ्रेंड मिलके, यानी कि 5 स्पाइसमैन के रिटेलर मिलकर अगर एक साथ IRCTC एक्टिवेट करवाते हैं तो उनको 1500 की रेट लगेगी, कंपनी का जो नियम है। अगर एक एक आदमी करवाता है तो उनको 2000 रुपये लगेंगे।
अगर आप सिर्फ एक खुद का करवाना चाहते हैं तो 2000 रुपये आपको देना होगा स्पाइस मनी में IRCTC एक्टिवेट करवाने के लिए। और अगर आप 5 फ्रेंड के साथ एक साथ एक्टिवेट करवाते पांचों ID में IRCTC तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करना होगा। अब जानते हैं आप बिना ID के बिना सर्टिफिकेट के लाइसेंस के आप नहीं बना सकते IRCTC टिकट। अगर पकड़े जाते तो इसमें आपको कड़ी से कड़ी सज़ा 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना भी हो सकता है। बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी केस होती है IRCTC फ्रॉडिंग में। तो इसलिए आप लालच में ना आए, 1500 रुपये में अभी मिल रहा है, आप अपने ID में एक्टिवेट करवा लें। और किसी तरह का सहायता चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ अगर आप पहले से स्पाइसमनी के रिटेलर हैं या रिटेलर ID डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हों या कस्टमर केयर से आपको किसी तरह का हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उनसे हम आपको हेल्प करेंगे बिल्कुल फ्री में जो भी प्रॉब्लम होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ।